बेडरूम के साथ एक सिंपल होम डिजाइन प्लान, 3D रूम, 3D होम डिजाइन। फर्स्ट जो बिल्डिंग का पार्ट, इसका जो वॉल, इसको 8 फीट 6 इंच हाइट वर्टिकल इसको एक्सटेंड करने के बाद फाइनल डिजाइन रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें जितना डिजाइन करने के लिए जगह चाहिए, हमने बिल्डिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह रख के प्लॉट से उसके बाद बिल्डिंग बनाया है यहाँ पर इधर। तो देखिए ऐसे डिजाइन के अंदर टॉप से आप देखेंगे तो आपको 3D ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद हमें डोर एंड विंडो रेडी करने के लिए इधर कुछ लाइन ऐड करके रेडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो विंडो क्रिएट करेंगे, फ्रंट में और एक विंडो। तो इधर देखिए थोड़ा सा विंडो इधर इतना तक आएगा। थोड़ा सा इधर तो ड्राइंग के अंदर 1, 2, 3 यहाँ पर विंडो अच्छा सा एक डिजाइन हम रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले देखिए दोस्तों यहाँ इधर 7 फीट एंड 3 फीट, नेक्स्ट इसी साइड पर 7 फीट बाय 3 फीट और एक डोर क्रिएट करके रखेंगे। उसके बाद इसी साइड पर तो एक एक साइड पर डोर क्रिएट करके रूम के साथ इधर जो कॉमन रूम ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल रूम के साथ कनेक्ट कर दिया है। रूम के साथ कनेक्ट करने के लिए इधर और एक डोर क्रिएट करने वाले हैं 7 फीट बाय 2 फीट 8 इंच एंड नेक्स्ट 7 फीट बाय 2 फीट 8 इंच कनेक्ट कर दिया है रूम के साथ। और एक रूम इसका भी डोर करके यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा 7 फीट बाय 3 फीट कंप्लीट कर दिया है। तो रूम के अंदर हमें क्या चाहिए, विंडो चाहिए, विंडो। पहले 1 फीट, उसके बाद 7 फीट, देखिए उसके बाद 4 फीट 6 इंच, उसके बाद विंडो कंप्लीट। नेक्स्ट 1 फीट 7 फीट 4 फीट 6 इंच डेप्थ एंड विंडो। कंप्लीट करके रेफरेंस लाइन डिलीट करके ऐसे रखेंगे। चलिए उसके बाद स्टेयर, जो स्टेयर इधर हम रेडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयर ड्राइंग के अंदर। स्टेयर के साथ इधर विंडो पार्ट ऐड करके स्टेयर का जो पार्ट इधर ऐसे सेटिंग किया है। सेटिंग करने के बाद हमें विंडो का पार्ट इधर मिल जाएगा। तो फ्रंट का जो एलिवेशन आपको कुछ इस डिज़ाइन का एलिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा फ्रंट साइड में। अगर आप चाहे तो इसको डिज़ाइन वाइज चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे इसको डिज़ाइन बाकी यहाँ पर फिनिशिंग करेंगे उसके ऊपर। तो चलिए हम उसके बाद रेडी करते हैं इसका जो 3D का अंदर जितना मेजरमेंट वाइज फर्नीचर लेआउट प्लान फाइनल फ्रंट एलिवेशन डिजाइन किचन स्टेयर डाइनिंग ड्राइंग बेडरूम सब कुछ इसके साथ। तो एक ओपन पोर्च का पोर्टिको और इधर एक छोटा सा बाइक रखने का पार्किंग, देखिए ऐसे आपको डिज़ाइन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए घर के अंदर आने के बाद यहाँ पर डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया
डाइनिंग टेबल के साथ, एक बेडरूम, दो तीन बेडरूम, उसके बाद इधर किचन, उसके बाद अटैच बाथरूम एंड लैट्रिन रूम के साथ, और इधर एक कॉमन बाथरूम एंड लैट्रिन। बाहर से गेस्ट जो आएगा और अदर्स जो दो रू बेडरूम उसके साथ इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। इधर रहेगा इसका स्टेयर का रूम, तो इधर जो डिज़ाइन ऐसे इस टाइप का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो 2D ड्राइंग आपके साथ शेयर करके दिखाते हैं, तो आपको अच्छा सा एक डिज़ाइन यहाँ इधर देखने को मिल जाएगा। तो मेजरमेंट करके एक एक रूम के अंदर डिटेल्स आपके साथ बताएंगे। तो उसके पहले एक एक रूम का जो पोजीशन और यहाँ पर मेंशन करके रखेंगे कहाँ पर क्या क्या रूम यहाँ पर रहेगा। KITCH किचन, किचन रूम, PORTICO पोर्टिको काम, इधर जो जगह हॉल रूम है यहाँ पर DRAWNG ड्राइंग काम, DINING डाइनिंग हॉल, पूरा इधर एक डाइनिंग कम ड्राइंग हॉल आपको देखने को, इधर देखिए पूरा जो मेजरमेंट है देखने को मिल जाएगा। बेडरूम 11x12, 11x11 फीट 6, 7 फीट 6x11 फीट, 11x11 फीट 6 इंच। बाथरूम एंड लैट्रिन 8 फीट और 6 फीट, 4 फीट 6 इंच एंड 4 फीट 6x6 फीट। अटैच बाथरूम एंड लैट्रिन 3 फीट का यहाँ पर एक छोटा सा गली रहेगा 8 फीट बाई 9 फीट। पोर्टिको इधर देखिए स्टेयर 7 फीट 6 3 फीट, टोटल लेंथ 7 फीट के आसपास रहेगा। इधर टोटल लेंथ 10 फीट 6 इंच, एक एक टेर रहेगा 3 फीट वाइड, पूरा मेजरमेंट 26 फीट 9 इंच एंड 40 फीट, तो 30x40 का ही डिज़ाइन रहेगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर आपको देखिए इधर एक्स्ट्रा जो पोजीशन है इसको आप ऐसे देखिए, मेजरमेंट ऐसे रहेगा। इसका जो टायर 5 फीट रेडियस रहेगा इधर। उसके बाद कॉलम रूम के साथ, कॉलम फाउंडेशन सेट कर करके डिज़ाइन रेडी करेंगे और बाद में दिखाएंगे जितना एक्स्ट्रा जो कॉलम हमें चाहिए कहाँ पर प्रोवाइड करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए तो इधर एक कॉलम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर जो जगह छोटा छोटा यहाँ पर जस्ट रूम आपका 10x10 का दो कॉलम यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो इधर आपको डिज़ाइन फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। 1200 स्क्वायर फीट का होम डिज़ाइन। तो 3D के साथ यहाँ पर डिज़ाइन क्या है, आपको फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन और 2D ड्राइंग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, और कुछ मॉडिफाई ऐड करना है तब करके डिज़ाइन आप मॉडिफाई कर सकते हैं।